हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन साइंस, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेनली इसमें सबसे पहले टर्म आता है केमिकल सब्सटेंसेस। सो व्हाट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि टर्मरिन, मैंगो, लेमन, विनेगर, ये सारे चीज क्या है, सब्सटेंसेस हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस शोर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस को थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में शोर होते हैं और कोरोसिव होते हैं नेचर में। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, उनको जब टच करते हैं तो सोपी सोपी फील होता है। बेसिस जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो एल्कलीज बनते हैं। कुछ बेसिस हैं लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देन सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट्स मेनली न्यूट्रल होते हैं, ये ना एसिडिक होते हैं ना बेस होते हैं। ये तब बनते हैं जब एसिड को बेस से रिएक्ट करा जाता है, ये तब फॉर्म्ड होते हैं। मेनली नॉर्मल सॉल्ट्स क्या हो गया, मेनली सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। पहली बात करते हैं यहाँ पे एसिड्स की। अब जैसे कि कुछ एसिड्स हैं, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। मेनली एसिड जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं वो। और जिन मटेरियल्स में एसिड कंटेन होता है उन मटेरियल्स को बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस। सब एसिड्स में हाइड्रोजन कंटेन होता है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उन्हें बोलते हैं आयंस। एसिड जो है वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि सल्फरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जो एसिड्स हाइड्रोजन आयन्स कम प्रोड्यूस करते हैं या वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते, उन एसिड्स को बोलते हैं वीक एसिड्स। जैसे कि एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। द नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मेनली जो है हमें नेचर से मिलते हैं, जिसमें कार्बन कंटेन होता है। कुछ थिंग्स से, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं लाइक प्लांट्स है, एनिमल है, इन सारे मटेरियल से मिलते हैं। अब कुछ एसिड्स हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है, नेचुरली अकेयरिंग एसिड्स हैं ये। और ये जो एसिड्स होते हैं ये मेनली वीक एसिड्स होते हैं। देन इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो बनाया जाता है केमिकल्स वगैरह से, मिनरल से जो कि अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स जैसे कि सल्फरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब एसिड्स जो हैं वो मेनली केमिस्ट्री लैब्स या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये एसिड्स जो हैं वो नेचर में बहुत कोरोसिव होते हैं, इनको हम हैंड से टच नहीं कर सकते। अगर हम टच करेंगे तो हमारा हैंड बर्न हो सकता है, जल सकता है। देन कुछ एसिड्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं लाइक सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे इन सब के केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फरिक एसिड है, इसको हम लिखते हैं H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक है, इसको लिखते हैं HCl3, इसी तरह और भी एसिड्स हैं। देन आता है एसिडिक रेन। जब बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में डिजोल्व जाती है, क्लाउड के मॉइस्चर में डिजोल्व जाती है। देन जब बारिश होती है हाई पॉल्यूटेड एरियाज में, तो वो वाटर क्या है वो गैस से मिल जाती है, मतलब जो हार्मफुल गैसेज हैं उससे मिक्स हो जाएगी और फिर नीचे आके वो प्लांट्स को हार्म कर सकती है, एनिमल्स को, बिल्डिंग्स को, इन सबको हार्म कर सकती है। और इस चीज़ को बोलते हैं एसिड रेन। देन नेक्स्ट आता है बेस। अब कुछ कॉमन बेस जैसे कि लाइम वाटर है, कॉस्टिक सोडा है, इनके बेसिस वाले नाम है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेनली ये सारे बेसिस क्या है, टेस्ट में बिटर होते हैं ये, और जब हम इसको टच करते हैं तो सोपी फील होता है। जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करके सोपी फील होता है, उन्हें बोलते हैं मेनली बेसिस। और जिस मटेरियल में बेस कंटेन होता है उसको बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस। बेसिस जो है वो मेनली हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करता है जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन। जितने ज़्यादा नंबर हाइड्रोक्साइल आयन के प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस जो है जब वाटर में सॉल्युबल होता है उसे बोलते हैं मेनली एल्कलीज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है,
और कुछ बेसिस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इन सारे हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली बेस होते हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं जो कि अल्कलीज होते हैं। हम इससे मेनली ये बोल सकते हैं सारे अल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं होते, क्योंकि कुछ वाटर में डिजोल्व होते हैं, कुछ वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स। अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, एक एसिड का है एक बेस का है, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड का है कौन सा बेस का है, तो इसमें मेनली यूज होते हैं इंडिकेटर्स। ऐसे तो हम टच करके पता लगा सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन टच करने में सोपी फील हो रहा है तो वो बेस होगा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, हो सकता है वो हार्मफुल हो हमारे लिए। देन इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम इंडिकेटर्स। कई तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये सारे जो मेनली इंडिकेटर्स हैं नेचर से ऑब्टेंड होते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या है, कलर चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लू लिटमस यूज करेंगे, अगर एसिड में यूज करेंगे, एसिड में डालेंगे लिटमस पेपर को, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह रेड लिटमस है, रेड लिटमस अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। मतलब ब्लू लिटमस जो है वो एसिड में चेंज हो जाता है, रेड जो है वो बेस में चेंज होता है। इसी तरह और भी इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज क्योंकि एसिड में डाल के पिंक कलर देता है और बेस में डाल के येलो कलर देता है। फिनॉल फेथिलीन एसिड में डालकर उसे कलरलेस हो जाता है और बेस में यूज करके वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। देन टर्मरिक है, टर्मरिक जो है एसिड में यूज करके उसे येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेस में यूज करके वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। चाइना रोज एसिड में यूज करके डार्क पिंक कलर का हो जाता है और बेस में यूज करके वो ग्रीन कलर का हो जाता है। देन अब बात करते हैं एसिड और बेस के डिफरेंसेस की। तो यहाँ एक पूरी एसिड और बेस की समरी आ जाएगी। एसिड्स क्या है, मेनली ये टेस्ट में सोर होते हैं। बेसिस क्या है, टेस्ट में बिटर होते हैं और टच से स्लिपरी होते हैं या सोपी होते हैं। सारे एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ बेसिस सॉल्युबल होते हैं जिनको बोलते हैं एल्कलीज, और जो सॉल्युबल होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड जो है वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेस जो है वो डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करता है। देन आता है पीएच स्केल। तो किसी भी एसिड या किसी भी एल्कली की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो वेरी करता है 1 to 14 नंबर तक। अगर पीएच सॉल्यूशन 7 to 14 के बीच में आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है बेसिक। अगर पीएच लेवल जो है वो 1 to 7 के बीच में आ रहा है तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक, और अगर पीएच लेवल हमारा 7 पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7, तो वो सॉल्यूशन है हमारा न्यूट्रल, जैसे कि वाटर। इस चीज़ को बोलते हैं मेनली यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जो कि बहुत सारे डाइस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि शो करता है कलर का चेंज मेनली पीएच की रेंज में। देन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम किसी भी एसिड को बेस में मिक्स करते हैं या बेस को एसिड में मिक्स करते हैं, तो वो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल बनता है। मेनली ये बोला जा सकता है एसिड को जब हम बेस से मिलाते हैं तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के कई सारे एप्लीकेशंस हैं। पहला आता है सॉइल टेस्टिंग। अगर हमें सॉइल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना है तो हम बहुत सारे फर्टिलाइजर के यूज से एसिडिक हो जाती है सॉइल, या एसिडिक रेन से एसिड हो जाती है सॉइल। तो मेनली जो सॉइल है वो ट्रीट किया जाता है बेस से, जैसे कि स्लेक लाइम है। और अगर हमारी सॉइल जो है वो एल्कलीन है यानी कि बेस है, तो उस सॉइल को मेनली एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब एसिड यूज करेंगे जो कि सॉइल की न्यूट्रलिटी हो जाए, मतलब सॉइल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। देन आता है एसिडिटी इन स्टोमक। जब हमें मिली पेट दर्द होता है, एसिडिटी वगैरह बनती है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। उससे क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मिली डॉक्टर्स वगैरह क्या एडवाइस करते हैं, एंटासिड लेने की, जो कि न्यूट्रलाइज करता है बहुत सारे एसिड्स को। एंटासिड जो है वो मेनली अवेलेबल रहता है टेबलेट्स में या जेल्स में। मेनली इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंटेन रहता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। देन एंटीडॉट्स फॉर स्टिंग। अब जब भी हमें काट जाती है मधुमक्खी जो होती है या चींटी जो है वो काट जाती है, तो बहुत पेनफुल होता है, और उसमें जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो मेनली हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, कैलेमाइन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं जो कि एल्कली होता है। देन टूथपेस्ट जो होते हैं वो मेनली एल्कलीन होते हैं। हमारे टूथ डिके हो जाता है,
जम्स वगैरह लग जाते हैं टीथ में, तो ये मेनली क्या होता है, एसिड के प्रोड्यूस होने पे होता है। फूड पार्टिकल्स जो है वो मतलब जब हमारे माउथ में रह जाते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद जो है वो टूथ स्टिकी होना चालू हो जाता है। तो टूथपेस्ट को यूज़ करके जो कि नेचर में एल्कलीन होता है, एसिड जो है वो मिनी न्यूट्रलाइज हो जाता है और टीथ डिके से फ्री हो जाता है। देन ये जो है वो एसिड बर्न में काम आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बर्न में भी काम आती है। किसी भी चीज़ से बर्न हो जाती है, एसिड से बर्न हो जाती है, तो इन केसेस में क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होती है बॉडी की वॉश की जाती है कोल्ड वाटर से, या अगर एसिड बर्न हो रहा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बेकिंग सोडा का उस पार्ट पे स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। देन ये रिएक्शन जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स होते हैं एसिड जैसे, अगर वो रिएक्ट करते हैं वाटर बॉडी से तो एक्वेटिक लाइफ में इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फिशेज होते हैं, कैटल्स होते हैं, ऑर्गेनिज होते हैं, ये मेनली मारे जा सकते हैं। इसलिए जो सीवेज वेस्टेज है फैक्ट्रीज में से जो निकलता है वो मेनली सबसे पहले बेसिड ट्रीट किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद देन उसे डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट की। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो मेनली जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि मेनली हम जानते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, या जिसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। हर सॉल्ट में कोई ना कोई एक मेटल पार्ट होता है या नॉन मेटल पार्ट होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्या है इसमें मेटल पार्ट है और क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल पार्ट है। आते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें मेनली फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको शेप देते हैं, कलर देते हैं क्रिस्टल्स को किसी भी सॉल्ट में, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये मेनली कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इनको जब हीट किया जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये अपनी शेप खो देते हैं, कलर खो देते हैं और एक सिंपल पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, और इन सॉल्ट्स को मेनली बोला जाता है एनहाइड्रियस, और ये दोबारा अपना कलर रिगेन कर लेते हैं जब इनमें पानी ऐड किया जाता है। कुछ कॉमन सॉल्ट्स के नेम है, लाइक टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, इसका मेनली केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। लाइमस्टोन है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला होता है CaCO3। सोडा ऐश है, चाइल्ड सॉल्ट पेट्री है, ग्रीन पेट्रोल, ब्लू पेट्रोल, इन सब के केमिकल्स नेम है, फॉर्मूलेज है। अब सॉल्ट जो है वो मेनली थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट हैं उसमें कुछ भी हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं होता मॉलिक्यूल में, NaCl, CuSO4, KNO3, CaCO3, ये सारे मिली नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। एस वो हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम कंटेन होता है, जब इनको आयनाइज करते हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिक सॉल्ट्स में इसमें बेसिक आयन होते हैं मेनली, मतलब हाइड्रोक्साइड्स आयन होते हैं। जब मेटलिक आयन्स और नेगेटिव आयन्स रिएक्ट किए जाते हैं तो ये एसिड्स बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ZnOCl3, ये मेनली बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये तो ना बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट्स के यूजेस की। पहला आता है एसिड का यूज़, जो सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है ये मेनली फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, इस सब को बनाने के लिए काम आता है, या कोई भी और केमिकल्स बनाने के लिए काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लेदर इंडस्ट्री या प्रिंटिंग में काम आता है। एसिटिक एसिड जो है और बेंजोइक एसिड, ये मेनली फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो हमें विटामिन सी से मिलता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस के यूजेस की। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये मेनली ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए काम आता है, और एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है एक फॉर्मिंग एजेंट के थ्रू। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटासिड्स के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, उससे मिली एंटासिड्स बनाए जाते हैं और मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप्स को बनाने के लिए काम आता है। देन यूजेस आते हैं सॉल्ट्स के। तो अलग अलग सॉल्ट्स जो है वो मेनली डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। इनके जो यूजेस होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे। एक प्रॉपर्टी है इसकी हाइग्रोस्कोपी, ये प्रॉपर्टी मेनली सॉल्ट की है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एनवायरमेंट से बिना डिजॉल्व हुए।